हमारे बीच में वसीम जी मौजूद हैं जो एक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक स्केच ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ बैठकर, और हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि इनके अंदर जो ये कला है उसके बारे में ये हमें बताएं। नमस्कार वसीम जी। नमस्कार वसीम जी, आप कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? यस सर। थोड़ा अपने बारे में पहले बता दीजिए। सर मैं बेसिकली पानीपत हूँ, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रहा हूँ। 4 साल की हमारी डिग्री रहती है, बैचलर बीएफए बोल दीजिए। आप यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, लोग आते हैं अपना स्केच बनवाते हैं? हाँ जी हाँ जी, लाइव स्केच बनाता हूँ मैं अभी। लाइव स्केच बनाते हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है, हर बार आते हैं आप गीता जयंती में? अभी सर मेरा सेकंड टाइम है। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है, आप कुछ पेमेंट वगैरह भी लेते हैं लोगों से? हाँ जी हाँ जी, जो मैं लाइव स्केच बनाता हूँ उसके मैं चार्जेस लेता हूँ। क्या चार्जेस लेते हैं? 250 पर स्केच। तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है यहाँ से? यहाँ से अभी तो अच्छा है रिस्पांस, क्राउड ज़्यादा नहीं है बट रिस्पांस अच्छा है, यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं अभी आर्ट को, जैसे तो अच्छा है। हाँ जी। तो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? यस सर। तो देखा कि जैसे कि आपने कि ये फाइन आर्ट के स्टूडेंट भी हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ साथ अर्निंग भी करते हैं। इनकी कला हमने अभी आपको दर्शकों को दिखाई है। मैं दोबारा कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनके स्टैंड के ऊपर जो कला लगी हुई है उनको भी एक बार दर्शाएंगे कि किस कदर ये काम करते हैं। और लाइव स्केच जो बनाते हैं, आदमी का प्रतिरूप जो ये बनाते हैं, उसका बहुत शानदार प्रदर्शन ये करते हैं। मैं अरविंद शर्मा कुरुक्षेत्र से ऐसी ही खबरों के साथ, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।